तो ऐसा सिर्फ आप जब राइड करते हो और आप रोड ट्रिप करते हो आप ये कर सकते हो। मुंबई से जो धुले का रास्ता है इज एब्सोल्यूट शिट। व्हाइल राइडिंग हिज फुटपैक हिट अ वेरी बिग स्टोन। आज की बात बता रहा हूं लेकिन अभी नहीं, ब्लॉक के बाद। इज अ न्यू डे, अ न्यू ट्रिप। अभी हम बेसिकली है इगतपुरी में एंड वी आर हेडिंग टू बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। आई होप यू गाइस वॉच माई प्रीवियस वीडियो जहाँ पर मैं पूरा बेसिकली साउथ का ट्रिप मैंने करके आया था। आई डिड साउथ ट्वाइस एक्चुअली। पहले मैं केरला गया था विद माई ब्रदर चलू एंड अंकुश के साथ जो गया था। आई एम श्योर यू गाइस वॉच्ड इट। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट आई विल पुट द लिंक अबव। और अभी रिसेंटली जो मैं अपने मॉम के साथ गया था आई एम प्रीटी श्योर यू वॉच दैट ऑल्सो। और अभी बस हम वापस ही आए एंड अनदर प्लान हैपेंड। माई ब्रदर वॉन्टेड टू गो टू बांधवगढ़, इट वॉज हिज आइडिया, सो आई वॉज लाइक यू नो वाई नॉट। मध्य प्रदेश में है, नॉट वेरी फार, 1000 किलोमीटर्स वन वे, 1300 किलोमीटर्स वन वे एंड तो रिटर्न अराउंड 2600 किलोमीटर्स होगा, सो नॉट वेरी फार कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ ट्रैवल वी हैव डन अभी तक। सो वी सेड यू नो वाई नॉट, लेट्स जस्ट डू इट, अभी कर लेते हैं एंड वेरी शॉर्ट ट्रिप, मतलब 5-6-7 दिन का ट्रिप है। अभी हमने जस्ट ब्रेकफास्ट किया, वी लेफ्ट एट 6 AM इन द मॉर्निंग, अभी 8 बज गए एंड वी डिड आर ब्रेकफास्ट राइट नाउ, वेरी लाइट ब्रेकफास्ट। यहाँ पर पता 1000 बार आ चुके हैं हम लोग एंड अपना हार्ली का काफ़ी जो नासिक के इवेंट्स होते हैं यहाँ पर ही आके रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो वी डिड आर ब्रेकफास्ट, इट्स अराउंड 8 o'clock नाउ, वी आर हेडिंग द नेक्स्ट स्टॉप। अभी कहाँ करेंगे हम? सो वी प्लान टू राइड एटलीस्ट अ गुड 3.5-4 hours नाउ एंड देन वी माइट टेक अ स्टॉप। इस बार अंकुश नहीं, अंकुश जब होता तो हम बहुत आराम से चलाते हैं। अंकुश इफ आर वॉचिंग अभी गाली देता होगा हमको, बट जब अंकुश होता है तो हमको हम रियली आराम से चलाते हैं और हम बार बार रुकते हैं एंड वी डू ऑल दैट। सो लेट्स सी हाउ वी राइट नाउ। बाय द वे वी हैवंट स्लेप्ट अ लॉट, लाइक ये तो बंदा सोया ही नहीं है, मेरे को बोल रहा है इज नॉट स्लेप्ट अ बिट। सो बट आई एम होपिंग दैट हम बीच बीच में रुक रुक के कॉफी मार के जाएंगे, सो इट शुड बी फाइन। एंड या आई थिंक द नेक्स्ट स्टॉप विल डू एट लाइक सम 12 o'clock मे बी, नॉट बिफोर दैट। वी आर गोना हेड नाउ, अभी हम भोपाल में हम स्टॉप करेंगे बेसिकली फॉर द नाइट, देखते हैं लेट्स सी हाउ इट गोज एंड वहाँ से हम जाएंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम जो इतना ट्रिप्स करते हैं हाउ वी माउंट आवर बैग्स एंड हाउ वी टाई आवर बैग्स, हाउ मच वी कैरी। यूजुअली द बिगेस्ट थिंग इज दैट ये जो ट्रिप्स होते हैं ना बहुत लाइट ट्रैवल करना होता है, यू कॉन्ट ट्रैवल हैवी। 65 लीटर्स का बैग है बट इसमें से आई थिंक 15 लीटर्स मेरा सिर्फ इक्विपमेंट है, मेरा GoPro, माई कैमराज, माई द बाइक का इक्विपमेंट, माई चार्जर, बाइक का जो चार्जर है, जो टूल किट है वो सब है। सेम गोज विद हिम आल्सो, हिज बैग इज एक्चुअली रिलेटिवली स्मॉलर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर बैग? 45 लीटर्स। सो दैट्स अ 45 लीटर बैग बाय द वे। सो वी हैव सिक्योर्ड इट यूजिंग बंजी कॉर्ड्स और एक्चुअली एक हेपको एंड बेकर का एक हार्नेस सिस्टम है, बहुत अच्छा है। आई बीन यूजिंग इट सिंस द लास्ट ट्रिप, आई रियली रियली लाइक इट। इट लुक्स लाइक दिस। बेसिकली क्लैंपिंग सिस्टम है इसमें एंड इट गोज ऑल अराउंड द बैक। थैंक यू। सेम सिस्टम बंजी कॉर्ड यूज किया हुआ है एंड वी यूज नेटिंग टू सिक्योर सम अदर स्टफ। भाई अगर राइड में अगर इनको गर्मी लग रहा है बड़ा, यू कैन टेक ऑफ हिज जैकेट एंड जस्ट टक इट इन हियर, इसमें यू डोंट हैव टू ओपन द बैग एंड ऑल दैट, सो इट बिकम्स अ लिटिल कन्वीनियंट। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ वी पैक आवर बैग्स, वेरी सिंपल, वेरी लाइट एंड इट्स वेरी इजी टू डिसमाउंट ऑल्सो। हमारा दोनों का बैक रेस्ट है जो डिटैचेबल बैक रेस्ट है, सो वी कैन जस्ट लिटरली जस्ट पिक आउट द थिंग एंड जस्ट वॉक। सो वेरी कन्वीनियंट स्टफ बाय हार्ली एंड या दैट्स हाउ इट इज। Of traveling and being on road, चलो क्या स्पॉट है ना यार,
तो ऐसा सिर्फ आप जब राइड करते हो और आप रोड ट्रिप करते हो आप ये कर सकते हो। गाड़ी में भी एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता बिकॉज यू कांट रैंडमली स्टॉप किधर, बट बाइक में क्या तुम घुसा सकते हो कहीं पर गली में। अभी हाईवे वहीं पर है, आपको दिख रहा है वो हाईवे है बेसिकली, वहीं से हम आ रहे थे, इस तरफ जा रहे थे हम, इस तरफ जा रहे हैं। एंड वी सॉ दिस कटिंग इन दी एंड एंड वी सॉ दिस लेक हियर, हमको लगा कि यार वी हैव टू स्टॉप हियर एंड टेक अ फ्यू फोटोज। इट इज़ सो ब्यूटीफुल मैन, इट्स बेसिकली सराउंडेड कम्प्लीटली, ऐसा लैंड लॉक टाइप है, मतलब चार पाँच हिल के बीच में ये लेक सिचुएटेड है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल मैन। एक्चुअली हमको थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा पानी को एक्सेस करने के लिए, बट एक्चुअली देर इज अ स्पॉट देर, बट एनी वे वी आर काइंड ऑफ इन द होल जोन ऑफ राइडिंग राइटर, तो हम जाएंगे नहीं, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्पॉट मैन, सो ब्यूटीफुल। कौन सा एरिया पता है क्या शैलू? क्लोज टू धूले, हम धूले के पास में बेसिकली। हम कहाँ बजे शैलू वेयर आर वी रीच? ठिकरी वी रीच, वी आर अराउंड 4 hours अवे फ्रॉम भोपाल। मुंबई के से जो धुले का रास्ता है इज एब्सोल्यूट शिट। अगर आप मुंबई से आ रहे हो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड व्हीकल विद ग्रेट सस्पेंशन बिकॉज इट्स एब्सोल्यूटली रबिश, द रोड्स आर वेरी बैड। मुझे 37 का माइलेज मिल रहा है, मुन्ना साउथ के ट्रिप में मुझे 32-33 का मिल रहा था, अभी 37 मिल रहा है, सो इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, लविंग इट। सुपर लो कितना दे रहा है? हेलो, नहीं इट्स नॉट 30, आई कैलकुलेटेड, इट्स गिविंग 23, नाउ इट वाज गिविंग 30, नो आई माइट हैव मिसकैलकुलेटेड द, नो अच्छा हां मे बी द अमाउंट इज मिसकैलकुलेटेड। सुपर लो इज गिविंग अमेजिंग माइलेज, fantastic stuff and very happy with the performance of the bike. You know, after spending the kind of money that we have spent on service, I spent nearly 48,000 with a new ECM and fuel pump, filter, strainer and all sort of things, you know, and air filter. So I've upgraded the air filter as well. So that kind of an amount and the change of parts that's gone into the machine, it was expected that it should give a little bit better mileage, yeah. Awesome stuff. Really enjoying the ride, my tires are doing well. What's up, Shailu? Hello, what's up? Good morning, Bhopal. So we reached not very late. We reached 9:30-9:30 पहुँच गए थे और हमारा मतलब बहुत नींद आ रहा था, so we didn't do much as usual. हम बैठ के हम basically chill, थोड़ा बात बात किया, खाना वाना खाया, सो गए. So basically महाराष्ट्र मतलब इतना बकवास रोड था वहाँ पर, हर जगह पे पॉटहोल, इट्स सो डेंजरस. बट somehow मध्य प्रदेश में जैसे हमने एंटर किया, द लास्ट जो हमारा 2-3 घंटे का जो राइड था फुल डार्कनेस में was fantastic only because the roads were amazing. बहुत ही ज़्यादा अच्छा roads था, was too good and we reached in one piece safe and sound and we checked in. और अभी आज हमारा पूरा दिन हमारे पास है भोपाल में, वही गोना अभी फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं एंड देन गोना I don't know what we gonna do. It's called City of Lakes, so I'm guessing we'll see one lake something. ये हमारा बाइक है, फॉर्चुनेटली अभी भी चमक रहा है, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, मेरा हो गया एक्चुअली, योर्स तो डजंट इवन शो, मेरा तो गंदा हुआ लग भी नहीं रहा है, मेरा तो एक थोड़ा 2 पैसे का पानी आता ना पूरा गंदा हो जाता है, लाइक जस्ट लुक एट दिस लाइक एंड और अभी इनका बगे फुल नीट एनीवे मैं कैच यू इन अ बिट.
इसे कहते हैं व्यू. दिस इज अ ब्लडी व्यू मैन. चेक दिस प्लेस आउट मैन, हाउ नाइस इज दिस. क्या सही जगह है यार. सो दिस इज रेकमेंडेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड विंड्स एंड वेव्स. ये रेस्टोरेंट भोपाल में है एंड यहाँ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. एंड आई वाज टोल्ड द व्यू इज फैंटास्टिक एंड इट वाज नॉट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. द इन्फॉर्मेशन वाज गुड एंड एकदम कि कैस व्यू यार यहाँ का. तो सुपर हंग्री है, लेट्स ईट समथिंग. ये बेसिकली भोपाल इज अ सिटी ऑफ लेक्स. हम जैसे एंटर कर रहे थे भोपाल, वहाँ पर बड़ा सा ऐसा नियॉन साइन में लिखा था वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स. सो आई थिंक दिस इज द अपर लेक, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन. हम मैप पे चेक करके मैं देखूंगा कौन सा ये, बट आई थिंक दिस इज द अपर लेक और एक लोअर लेक होता है. एंड देयर आर अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ लेक्स अराउंड हियर व्हिच इज व्हाट भोपाल इज नोन फॉर. एंड इट्स ट्रूली ट्रूली ब्यूटीफुल. मतलब इतना सुंदर जगह है यार, लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग. लविंग इट, वेरी नाइस. सो ग्लैड एक्चुअली. हम लोग पहले जब आने के पहले हम सोच रहे थे कि इंदौर में रुके, एंड आई थिंक वी डिड अ ग्रेट थिंग वी आर नॉट स्टॉपिंग देयर. वी केम डायरेक्टली हियर. थोड़ा हमको स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में बिकॉज रात का राइडिंग हम अवॉइड करते हैं. एंड आई थिंक आउट देयर इफ यू गाइस वॉचिंग, आई वुड नॉट रेकमेंड राइडिंग एट नाइट. इट्स क्वाइट डेंजरस. इनफैक्ट एक इंसिडेंट भी हुआ था कल रात को जब हम आ रहे थे कि वाइल राइडिंग हिज फुट पैग हिट अ वेरी बिग स्टोन. इतना बड़ा पत्थर था एंड मैं पीछे चला रहा था एंड आई सॉ स्पार्क्स फ्लाइंग लाइक वेरी बैड. एंड दैट स्टोन अगर वो टायर के ऊपर चले अगर आ जाता तो इट वुड हैव बीन आई थिंक द एंड ऑफ अ लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज इट वुड हैव बीन बिकॉज वी आर क्वाइट फास्ट. वी आर ऑन लाइक 100 की स्पीड चला रहे थे हम रात को पिच ब्लैक डार्कनेस में. सो That is why it is a little dangerous and I personally don't like it at all. But because the roads were amazing, barring that one stone wala incident, jo pata nahi kaise gir gaya hoga ya kuch ho gaya hoga pata nahi, but otherwise the roads were fantastic. Not a single dent on the road. Ek dent bhi nahi tha road pe. Straight to straight road, fantastic road. And aapne dekha hoga, maine shoot bhi kiya thoda. So very nice. And bahut confidence inspiring tha ki because humko to mujhe to raat ko dikhta bhi nahi hai. Main wo Kader Khan, kaun sa picture hai Kader Khan wala? जहाँ पर वो रात को अंधेरा अंधा हो जाता है. सो वो जो पिक्चर है जहाँ पर कादर खान रात को अंधा हो जाता है, वो वैसा वाला सीन है. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं चला ना. मैं स्नेहल और निशांक के साथ भी जब जाता हूँ तो आई कैन अवॉइड राइडिंग एट नाइट. सो एंड वी रोड येस्टरडे फॉर एटलीस्ट आई थिंक 2.5-3 आवर्स इन द नाइट. सो इट वॉज क्रेजी एंड अननोन रोड्स. द थिंग इज दैट रोड जब अननोन होते हैं तो और भी डर लगता है बिकॉज बॉम्बे में वैन वी राइड वी नो द रोड्स इनसाइड आउट. हमको पता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर रोड खराब है, यहाँ पर रास्ता खराब है, यहाँ पर पॉट होल है. तो वी नो बॉम्बे एंड महाराष्ट्र के रोड्स क्वाइट वेल. बट वैन यू गो टू अ स्टेट वे यू डोंट नो, आपको पता नहीं कि रोड्स कैसे हैं, दैट बिकम्स अ लिटिल स्कैरी. सो लकीली अ बिग शाउट आउट, क्या बोलता है MP गवर्नमेंट को. Awesome roads, keep doing the good job guys. I think phenomenal work in terms of roads. And even the city, हम जब अभी चला के आ रहे थे, आपने अभी देखा shots में, हम चला के आ रहे थे, क्या सुंदर है यार. It's giving full वो यूरोप वाला वाइब्स दे रहा है यार. बिकॉज आई इवन श्रीलंका, एक्चुअली श्रीलंका यूरोप में जहाँ मैं गया हूँ, एक तो वैसे वाले वाइब्स है यार. बहुत सही है भाई, मज़ा आ गया. ब्रेकफास्ट तो आज पूरा दिन है हमारे पास. वी जस्ट हैंगिंग आउट. आई एम गोना मीट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन मेरे भोपाल में जो है, एंड ही इज गोना मीट अ कपल ऑफ हिज फ्रेंड्स. थोड़ा सा वो टाइम पास करेंगे एंड उसके बाद हम रेस्ट करके कल सुबह. हाउ फार इज बांधवगढ़ फ्रॉम हियर? आई थिंक इट्स अबाउट 8 आवर्स. हाँ, 8 घंटे अभी सीट में ताड़पत्री में बैठ के बम पिछवाड़ा जो है उसको मेरे को थोड़ा गर्म करना है. अभी कल उतरने के बाद मैंने थोड़ा सा मालिश करने का प्लान किया था. हाँ, हाउ इज योर बम बाय द वे? ओह, इट इज अमेजिंग. आई थिंक स्टिल बोथ ऑफ देम आर इंटैक्ट राइट. बट दोनों शेप बराबर है कि नहीं है? मुड़ के देख नहीं पाया, इतना थक गया था कि गला भी नहीं हिल रहा. आई थिंक इस बम इज मिसिंग बिकॉज इसका हमने क्या किया था, इनके बाइक पे मॉडिफिकेशन किया था उनके सीट का. सो जो स्टॉक सीट आता है इज डिसेंटली पैडेड बट इट डजंट लुक गुड. इट लुक्स लाइक क्या लगता है, ताड़पत्री जैसा लगता है. ताड़पत्री जैसा लगता है, मतलब इट्स लाइक वन इतना सा पतला का सीट है वो. हमने स्टाइल वाइज सब सुपर है बट इट इज़ नॉट एट ऑल फंक्शनल. तो लॉन्ग राइड के लिए बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल एंडाउड इन द रेयर सेक्शन ऑल्सो. तो शैलू का बम इज़ लाइक वेरी नाइस. इट इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल सीट एंड आई डोंट नो हाउ ही राइड्स. एंड प्लस सस्पेंशन, सुपरलो का सस्पेंशन इज रियली रियली बैड. लाइक इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल. सो इट टेक्स अलग लेवल का तुमको एक जज्बा चाहिए होता है वो बाइक चलाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में ऑन बैड रोड्स एंड फॉर सो लॉन्ग. सो हैट्स ऑफ टू यू ब्रो. थैंक यू. यू सर्वाइव्ड येट अगेन. ही सर्वाइव्ड. वो साउथ का ट्रिप था अभी ये ट्रिप. सो ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद सर्वाइविंग बिकॉज माय बाइक फैट बॉय तो मतलब मक्खन है भाई. लाइक मैं पैलेस ऑन व्हील. हां, इट्स विद ऑल द बम्स दैट आई एम सीइंग आई एम लाइक दिस गाय सो इट्स एक्चुअली मैं बहुत ओवर ड्रामेटिक बनता. मैंने सी अ बम, मैं इसको कंपनी देने के लिए मैं टू गिव हिम कंपनी मैं उसको चिल्लाता हूँ मैं बाइक पे. बट इट्स नॉट बैड एट ऑल. मेरे बाइक पे आई जस्ट ग्लाइड ऑन टॉप ऑफ शिट
it doesn't even matter. But just because I should want him to feel bad, I just want to make him feel that even I am suffering. थोड़ा मैं भी suffer कर रहा हूँ. तो मैं बोलता हूँ अरे bump आ गया. ये वो क्या बोलते हैं उसको? Rumblers, Rumblers. Favorite. अपना favorite Rumblers. The person who's leading. So he was leading. I because मैं अंधा हो जाता हूँ. मैं कादर का बन जाता हूँ. मैं सिर्फ उसका tail light देके चलाता हूँ मैं पूरा. I don't look at anything else. I'm just looking at his tail light. That's it. And because we are also connected on the Senna intercom, it is very easy because अगर आगे कुछ हो जाता है, he informs me immediately. Sometimes कल रात को एक बार there was a tractor that came on the way and which I had not seen for the till the very last minute and he had told me कि right में tractor है and वो tractor का light ही चालू नहीं है, मतलब tail lights है ही नहीं. So अंधेरे में you can't see and I'm pretty sure if there was somebody else would have rammed into it, but because I got an alert. No reflector क्या? I don't know वो कौन से ज़माने का tractor है. वो होगा कुछ 1950s का tractor. There's no reflector, there's nothing. So it's if you don't see, and मैंने बाइक को हाई बीम पे रखा था. In spite of that, I saw it at the very last, like 50 meters दूर मैंने देखा ट्रैक्टर को. And that's also because he told me. So वैसा वाला सीन होता है, very stressful. आज की बात बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं, ब्लॉग के बाद. In which is what? Which is ये रात को चला रहे हैं. He's probably dependent on me, considering that he's got little night blindness, difficulty in riding in the night. But राज की बात ये है कि मैं भी उतना ही ब्लाइंड हूँ. Pretty sure, but he, I think it's about confidence. मैं, I have no confidence when I'm riding at night. I think he has. I that's why I follow him because I see him riding also like absolutely flawless, like very very good riding. And yesterday I had said a small prayer while riding. So anyway, he is leading. So it's easier to ride when you have somebody who's leading. अगर तुम अकेले हो तो तुम खत्म हो गए. एंड इफ यू आर लाइक मी हू डजंट लाइक राइडिंग तो फिर देन यू विल टेक फॉरएवर टू रीच. मतलब मैं तो आराम से चला के आता. आई वुडंट लाइक पुश माय सेल्फ. आई वुड नॉट से दैट. आई थिंक ही इज एन अमेजिंग राइडर. ही राइड्स सुपर. द काइंड ऑफ कंट्रोल दैट ही हैज गॉट ऑन हिज बैड बॉय इज अमेजिंग. ओके, दैट्स प्रीटी स्वीट ऑफ हिम. बट आई वुड स्टिल नॉट राइड इन द नाइट. मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ. बट आई थिंक वो हमने डिसाइड किया था कि हम भोपाल में ही आके रुकेंगे. इंदौर में हमने जब इंदौर में स्टॉप किया एक्चुअली वी सॉ द एरिया. And yeah, I saw his expression. I heard his expression on Senna when we saw Indore City, and we were like, yeah, maybe. I mean, no offense to anybody out there. I mean, we just didn't find it too appealing. Like, I was like, you know, we were actually thinking of staying there for a night, but we were like, nah. And we are very happy that we stopped here, na? What do you say? Absolutely. I second that. हमारा बांधवगढ़ में चेकिंग है क्लब महिंद्रा में. So if you have seen that vlog जहाँ पर मैं मेरे भाई के साथ और अंकुश के साथ क्लब महिंद्रा लोनावला तुंगी तुंगरली और तुंगी में हम गए थे क्लब महिंद्रा में. एंड वेरी नाइस प्रॉपर्टी रियली, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं वो सब कर रहे हैं. वन ऑफ माय अर्ली व्लॉग्स. तो ये सेम क्लब महिंद्रा का प्रॉपर्टी है बट इट्स इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व. एंड हमको निकलना है कुछ आई थिंक 5 in the morning we'll leave and we'll be reaching there or maybe later we can reach a little later because we have the whole day. There's nothing to do there. So might leave at 6 maybe not like and reach there by like whatever like 4-5 in the afternoon. Yeah. By the way बांधवगढ़ में लोग बोलते हैं कि you have to do bookings months in advance. हमने कुछ भी नहीं किया. So when the forest season starts off or whether 1st October कुछ start होता है तो usually tendency ऐसा होता है कि you have to book 120 days in advance if you want to go for your safaris and all those things. Right. But I think Nikhil has got some connections out there and it worked for us. So हमने कुछ भी booking नहीं किया. अभी भी मेरे पास solid booking नहीं है. Like I don't have a receipt or something, but I know that वो WhatsApp पे मुझे confirmation मिली है कि हमारा done है. हमको सिर्फ second को जाके second which is day after tomorrow जाके हमको टिकट्स कलेक्ट करना है. थर्ड को हमारा सफारी है. सो इट इज़ क्रेजी बिकॉज वी जस्ट प्लान द ट्रिप एंड हमको हमारा शॉर्ट हो गया एंड वी माइट जस्ट गेट अ प्राइवेट जीप लाइक जस्ट द टू ऑफ अस एंड इट माइट बी फ्री ऑफ कॉस्ट. सो 90% इज गोइंग बी फ्री ऑफ कॉस्ट. लेट्स सी. आई डोंट नो, फिंगर्स क्रॉस्ड. अगर वो हो गया तो भाई मतलब अलग लेवल का लक है भाई. अलग लेवल बिकॉज पीपल हैव बीन बुकिंग लाइक फॉर मंथ्स और हमने 2-3-4 दिन पहले प्लान किया और हमको ऐसा मिल रहा है. सो वर्स्ट केस सिनेरियो हमको पे करना पड़ेगा. टिकट्स कंफर्म्ड है बट इट्स नॉट मच. इट्स लाइक 6-7,000 बक्स आई गेस नॉर्मल जो गवर्नमेंट का जो रेट है. नहीं 6-7,000. बट अगर एजेंट के थ्रू होता तो इट्स अराउंड 8-10,000. बट गवर्नमेंट का जो रेट है इज 6,000 विद द परमिट एंड एवरीथिंग. So it's not bad, but we are very cheap people, so I'm hoping that yeah it's free of cost. Taxes बढ़ गया. Taxes हाँ. Taxes government taxes बढ़ा कर रखे या क्या करे, करना पड़ता है ये भाई. बहुत sensitive topic है, शुरू मत करना taxes का. हम लोग मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है इतना टैक्स भरने के बाद. जो roads है हमारा सब छोड़ो, roads यार हमारे लिए नहीं सबके लिए यार, जानलेवा bloody roads man. I mean छोड़े, don't know. It's a सुबह सुबह नहीं बात करना भाई इसके बारे में. Anyway we'll catch you in a bit. Thank you.
है नूर उल सभा, नूरल सभा क्या पैलेस होटल एंड बहुत सारा ऐसा हेरिटेज वाला सीन लग रहा है यहाँ पर. और हम यहाँ पर लंच करने आए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. बाय द वे भोपाल इज सच अ क्लीन सिटी, आई एम लविंग इट, वेरी नाइस. आपका फोटोग्राफी हो गया? हो गया, चालू है. और चलते कर लेंगे. बेसिकली जो बाइकर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, हमको पसंद नहीं है. हम यूजली गाड़ियाँ जहाँ पार्क करते हैं वहाँ हमको अलाउ नहीं होता, हमको अलग से पार्क करना होता है. सो वेरी सैड, बट वन डे वी विल फाइट एंड चेंज दिस लॉ, वी विल राइड. किसका? इनका एवरेज? इनका एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, गाड़ी का एवरेज मिल जाता है तकरीबन 30-30 हाईवे पे. सिटी में चलाएंगे तो 11-12. चल आ जा, खाना ऑर्डर करते जा. ग्रैब अ नाइस कॉफी है. बहुत ही सुंदर जगह है यार, वेरी नाइस, वेरी नाइसली वेल. कौन सा होटल का नाम है? मेहर, कांट रिमेम्बर. मेहर अल सबा करके होटल का नाम है जहाँ हम खाना खाने वाले हैं. हाँ, नमस्ते. और पीछे जो है बहुत बढ़िया यार, ये बहुत पुराना चीज़ है क्या? हाँ सर. अरे बाप रे, मतलब आज इनके जैसा इनका उम्र का ऑलमोस्ट. आई थिंक दिस मस्ट बी अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वी मस्ट हैव ओन्ड इट, मस्ट हैव हैड दिस जीप जो यहाँ पर बेसिकली मस्कीटोज आई थिंक बहुत काटते हैं जीप को, तो उसको मस्कीटो नेट के अंदर रखा हुआ है. नमस्ते. बहुत सुंदर है रेस्टोरेंट आपका. हमारा पहली बार है भोपाल में और ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा. आपका नाम क्या है? विजय. नमस्ते विजय. ये अच्छा, हम बैठ सकते हैं? आला काट है क्या, कैसा है? दोनों आला काट भी है, बफे भी है. बफे नहीं था, आला काट है. आला काट ही है ना? ओके ओके ठीक है. तो बाहर बैठना है क्या? अच्छा यार, फिर और आज बहुत भोपाल ऐसे खाली खाली सा है, ऐसा क्यों है एकदम खाली खाली सा सब जगह? मतलब हम तो पहली बार आए हैं भोपाल, हमको पता है, पर एकदम खाली खाली. हम मुंबई से, मुंबई तो भरा पड़ा है क्राउड सब जगह, बट यहाँ बहुत खाली खाली लग रहा है. हाँ अच्छा, ऑर्डर आप मेनू कर दोगे हमको? हाँ. दिस इज कॉल्ड मार्बल आर्च एंड इट इज रियली ब्यूटीफुल मैन. व्यू देखो यहाँ पर आप, यार भोपाल बहुत सुंदर है यार. जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं है. आई स्वेयर, आई मीन आई थॉट, आई थिंक मोस्ट स्मॉल टीयर टू सिटीज़ आर लाइक रियली प्रिटी एंड यू रियली अंडर एस्टिमेट देम अंटिल यू एक्चुअली सी देम. सो लविंग इट. यहाँ का कटलरी देख के ऐसा लग रहा है कि मैं यूज़ करूँ तो कोई म्यूजियम आके मुझे फाइन कर देगा. इतना फैंसी है यार. ओके, दैट्स एन एक्चुअल पालकी. इसमें बैठ के लोग नहीं, पालकी किसके लिए होते हैं यार? वो ब्राइड्स एंड क्वींस एंड प्रिंसेसेस टाइप्स या वैसे वाले टाइप के. ये जो मैडम जो फोटो में, आई थिंक वो इसमें ट्रैवल करती थी. जैसे हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं वो उस ज़माने में पालकियाँ होती थी, पालकी, घोड़े, हाथी. हाँ एक्चुअली इसमें चार पहिए होते थे लेकिन वो ट्रैवल करने टाइम पे पंक्चर हो गए थे, वो निकाल के फिर बाद में उन्होंने ऐसे. Yeah, that's possible. If by the way, look at the feet of that, that's so crazy, man. So creepy also. So my brother, he's into feet by the way. He likes people with good feet. So the first thing he saw this palki was the palki's feet. If you can see there. Yeah, that's the palki's feet. Which actually seems quite nice, eh? Seems like it's manicured. Yeah. Pedicured. These are all actual, मतलब artifacts, you know, लिखा हुआ है artifacts. These are actual artifacts. So cool man, really cool stuff. आपका अगर Google Maps चल नहीं रहा है तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो. और आर्किटेक्चर और ये सब तो सही है, बहुत ही अच्छा है. आई मीन इफ़ यू लुक एट दिस, इट्स सो, इट्स डिज़ाइंड सो वेल. बट मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है इज़ एक्चुअली अप देयर इन द वॉल एंड दैट इज़ the swords. They are so nice. I basically love swords, I love guns. I mean, not that I use any or own any, but
is just a fascination that I have.